काफी सारी फिल्में जब थिएटर में देखने से रह जाती हैं, तब हर कोई वेट करता है उन फिल्म्स के ओटीटी रिलीज का। और वहीं ओटीटी तो खैर है ही कंटेंट और एंटरटेनमेंट का भंडार, जहां जब चाहो मजेदार और एंटरटेनिंग फिल्म्स और सीरीज आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि वो फिल्म्स और सीरीज लेटेस्ट रिलीज हों। अब ऐसे ही इस हफ्ते आप कौन कौन सी फिल्म्स और सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं, बताते हैं आपको इस वीडियो में। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट ओटीटी। मैं हूं आपकी होस्ट आंचल सनोरिया। साउथ फिल्म्स का दीवाना आजकल कौन नहीं है भाई। साउथ फिल्म्स और सीरीज तो अब ज्यादातर लोगों की प्रेफरेंस बन चुकी है। ऐसे में साउथ के सुपरस्टार धनुष की फिल्म वाठी सर ओटीटी पर रिलीज हो रही है। 17 मार्च को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी। धनुष के अलावा फिल्म में संयुक्ता मेनन इसमें लीड एक्ट्रेस है और इसे डायरेक्ट किया है वेंकी अटलोरी ने। नेक्स्ट नाम आता है पॉपकॉर्न। 17 मार्च 2023 यानी कि कल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सतीश कौशिक की आखिरी वेब सीरीज रिलीज हो रही है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है फराज सामजी ने और सतीश कौशिक के अलावा आपको इस फिल्म में नुपुर सैनन, कुणाल खेमू, सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार नजर आएंगे। बात करें इसकी कहानी की तो इसमें कुणाल खेमू जो लीड एक्टर प्ले कर रहे हैं, इस सीरीज में वो अपने पापा को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर उनका पॉप कौन है। नेक्स्ट इज कुत्ते। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की फिल्म कुत्ते आज यानी कि 16 मार्च 2023 को ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। वैसे तो ये फिल्म 13 जनवरी को थिएटर में रिलीज हो चुकी थी, लेकिन तब जो लोग इसे नहीं देख पाए भाई अब देख लो। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अर्जुन कपूर, तबू, राधिका मदान, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग लीड रोल में दिखाई देंगे। वहीं इसे डायरेक्ट किया है आसमान भारद्वाज ने और प्रोड्यूस किया है विशाल भारद्वाज ने। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें अर्जुन के एक्टिंग के लिए उन्हें काफी ज्यादा तारीफ मिली थी। सुनील शेट्टी स्टारर क्राइम थ्रिलर सीरीज हंटर 22 मार्च 2023 को अमेज़न मिनी टीवी पर रिलीज होने वाली है, जिसका धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। सीरीज में सुनील शेट्टी के अलावा राहुल देव, ईशा देओल, बरखा सेन गुप्ता जैसे कलाकार भी शामिल होंगे। हंटर का ट्रेलर दमदार डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंस और क्लासिक बॉलीवुड गानों के साथ दर्शकों को एक रोमांचक थ्रिलर का वादा करता है। अमेज़न मिनी टीवी पर दस्तक देने जा रही इस सीरीज में सुनील एसीपी विक्रम सिन्हा का किरदार निभा रहे हैं। नेक्स्ट नाम आता है रॉकेट बॉय सीजन 2 का। डॉक्टर होमी जे और डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे ग्रेट साइंटिस्ट की रियल लाइफ पर बेस्ड ये कहानी अपने दूसरे सीजन के साथ तैयार है। ये सीरीज सोनी लिव पर आज यानी कि 16 मार्च को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में जिम सर्ब और इश्वाक सिंह लीड रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें जिम सर्ब ने होमी भाभा का किरदार निभाया है और वहीं इश्वाक सिंह ने विक्रम साराभाई का रोल प्ले किया है। वेल दोस्तों, ये थी वो कुछ फिल्म्स और वेब सीरीज जो इस वीक रिलीज हो रही हैं। ओटीटी पर आप इन फिल्म्स और वेब सीरीज का मजा उठा सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखना ना भूले फिल्मी बीट ओटीटी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।